We were discussing on the topic called myths about wealth and investment and question to ask yourself. So let's continue the video. Myth number 6. Owning a house is the best investment we can do. दोस्तों खुद का घर होना एक प्राउड की बात है पर ऐसे घर का क्या फायदा जो कि आपका नहीं है अगर आपने उसे होम लोन पे लिया है। इस 15-20 साल के लोन टर्म में आप लगभग दुगनी से भी ज्यादा रकम अपने बैंक को लौटा देते हैं। दुख की बात तो यह है दोस्तों कि आप अपने करियर और पर्सनल लाइफ में अलग अलग तरीके के सेक्रीफाइस करने लगते हैं। अगर आपने कर्ज लिया है तो अपने आप से पूछिए कि आप कितना फंसा हुआ महसूस करते हैं। दोस्तों अगर आप अपने आमदनी का एक बड़ा हिस्सा होम लोन के EMI के रूप में ब्लॉक कर देंगे तो शायद आप अपने लाइफ में ऐसे असेट्स नहीं खड़े कर पाएंगे जो कि आपको काफ़ी शॉर्ट टर्म में भी बड़े बड़े रिटर्न्स दे सकते हैं और साथ ही फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अपने इन्वेस्टमेंट को अलग अलग जगह डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करिए। अगर आपने रियल एस्टेट या फिर लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में निवेश किया है तो शायद ये आपको टैक्स सेव करने में मदद करेंगे। बट अपने आप से एक क्वेश्चन करिए कि कैन यू लिक्विडेट दिस मनी इन केस ऑफ इमरजेंसी। मिथ नंबर 7, टू बी अ रिच वन मस्ट बॉर्न रिच। दोस्तों गरीब पैदा होना पाप नहीं है मगर गरीब रहकर ही मर जाना शायद पाप होगा। वी ऑल आर बॉर्न टू सक्सीड एंड ग्रो, वी ऑल मस्ट नो दैट एंड वी शुड लिव अवर लाइफ विथ पर्पस। अपने गरीब रहने का कारण भगवान को ना बताए, अपने कंडीशंस को ब्लेम करना छोड़ दीजिए और अपने आप में विश्वास करना सीखिए। जीवन में बड़ा सोचे, अपने सपने सच करने के लिए कुछ भी करना पड़े करिए। अपने डिफेंसिव और सेफ रहने के एटीट्यूड में बदलाव लाइए। इस बात को समझिए कि रिस्क न लेना ही सबसे बड़ा रिस्क है। द रियल डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर इज रिच पर्सन फाइंड्स अ वे टू मेक मनी, पुअर डोंट। अपने माइंड सेट को चेंज करिए दोस्तों, अपने आप से पूछिए डू यू हैव दैट रिच माइंड सेट। मिथ नंबर 8, राइट टाइम। दोस्तों हम जब भी स्कूल और कॉलेजेस में थे तो हमारे ग्रुप में कोई ना कोई एक ऐसा फ्रेंड होता था जो कि काफ़ी कंजूस होता था, हमेशा पैसों के बारे में सोचता था, पैसे बनाने के जुगाड़ सोचता, जैसे कि हम कभी बनिया कह के चिढ़ाते थे। आज वही फ्रेंड हम सबसे काफ़ी आगे निकल गया है, शायद बचपन के उन्हीं सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट हैबिट्स के फाउंडेशन पर उसने एक बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया है। सो फ्रेंड्स डोंट वेट फॉर द राइट टाइम, स्टार्ट अर्ली। इट्स नेवर लेट टू स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट, स्टार्ट टुडे, बिकॉज सीक्रेट ऑफ गेटिंग अहेड इज टू स्टार्ट अर्ली। हैव यू स्टार्टेड बिल्डिंग योर वेल्थ? मिथ नंबर 9, एजुकेशन। गाइस वी हैव लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स इन आवर सोसाइटी वेर इन कॉलेज एंड स्कूल ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स डिड वेल इन देयर लाइफ। हम स्कूल कॉलेजेस में काफ़ी सब्जेक्ट की पढ़ाई कर लेते हैं जिससे कि आगे जाकर पैसे कमाने में मदद मिल सके, पर जीवन के सबसे बेसिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की पढ़ाई नहीं करते जो कि है पैसों को इस्तेमाल करना। इसकी ट्रेनिंग हमें स्कूल या कॉलेजेस में नहीं बल्कि अपने घर के कल्चर से या फिर आसपास के माहौल से मिलती है। हमारे माँ बाप और बड़ों के आदतों को फॉलो करके हम फाइनेंशियली डेवलप होते जाते हैं। इट्स वेरी क्रूशियल फॉर पेरेंट्स टू कल्टिवेट गुड मनी हैबिट्स इन देयर किड एट अर्ली एज। लैक ऑफ एजुकेशन इज नॉट द रूट कॉज ऑफ बीइंग मिडिल क्लास और बीइंग पुअर। आर यू फाइनेंशियली लिटरेट? आस्क योरसेल्फ। दे से मनी कांट बाय हैप्पीनेस, बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि मनी इज द रूट कॉज ऑफ ऑल एविल इन दिस वर्ल्ड। दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा कि आप पैसों से दुनिया की सारी खुशियां खरीद सकते हैं। मनी इज अ पावरफुल थिंग बट इट ऑल्सो कम्स विद द पॉजिटिव एनर्जी यू कैन डेफिनेटली यूज फॉर स्प्रेडिंग एंड शेयरिंग हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड। होप दिस वीडियो हेल्प्स यू टू क्लियर योर मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट वेल्थ एंड हैप्पीनेस। थैंक यू।